Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number two and five, and our topic of discussion is converting the decision into action. Once we have elaborated the problem, तो हमारे लिए अगला अहम अमर ये है कि अब हम उस problem को हल करने के लिए decision making करें. And once the decision is taken, हमारे लिए अगला अहम अमर ये है कि अब हम उस decision को implement करें, execution में लेकर आएं. अब decision को execution में लेकर आने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक्शन स्टेप्स को वो अंडरस्टैंड करें और हम ये जान सकें कि किन एक्शन स्टेप्स के साथ हमें अप्रोप्रिएटली मूव वो करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए सबसे पहले जो चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए वो ये है कि वी हैव टू बी देर फॉर कन्वर्टिंग डिसीजन इन टू एक्शन एंड रिमेंबर इट इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर और टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर इसलिए है कि एग्जीक्यूशन के, के दौरान हमें कई तरह के रेजिस्टेंसेज वो आ जाती हैं हमें अपनी ड्राइविंग फोर्सेस को रेजिस्टिंग फोर्सेस से वो ज्यादा रखना पड़ेगा बिकॉज जब तक हम अपनी ड्राइविंग फोर्सेस को रेजिस्टिंग फोर्सेस से ज्यादा नहीं करेंगे द रेजिस्टेंस वुड ऑलवेज बी स्टॉपिंग अस वुड ऑलवेज बी क्रिएटिंग एनर्जिया फॉर अस द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एक्शन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम द स्टार्ट हमें बहुत शुरू से अपनी तवज्जो को मरकूज रखना होगा हमें अपने फोकस को मेंटेन करना पड़ेगा हमें अपनी कमिटमेंट मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि वो हमारी कमिटमेंट दरअसल क्या है बिकॉज उस कमिटमेंट के बगैर हमारा एसोसिएशन हमारी एफिलिएशन विद द प्रॉब्लम एंड विद द डिसन वो नहीं डेवलप हो पाती और अगर वो डेवलप नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम फ्रूटफुल आउटकम भी हासिल नहीं कर पाएंगे द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डिसीजन इनटू एक्शन इज that decision always comes with work assignment and responsibility and obviously somebody needs to be accountable somebody needs to be responsible somebody needs to be there to make the things happen to materialize the things so we have to be careful accountability and responsibility or action plans. skander ko execute karne these implement karne kadrana ye we need to talk about the policy when we talk about the policy, remember ke policy is the general right guideline for making decision. So policy without action plan is useless. Or policy is applicable wo hogi, which is applicable and in, in terms of its practicality and implementation. Or we implement policy ka part nahi banana chahiye. Now, when we are talking about converting the decision into action, remember. That the decision should be disclosed to concerned people with immediate effect because the stakeholders, four way home, we should be clear about what are the decisions, what are the problems, and those should be appropriately communicated. So, all the stakeholders.

अपनी को रिज्यूम करेंगे और फिर देर देयर टू टेक द याद रखिए कि हमें बहुत अंडरस्टैंड करना होगा कि लोगों की कैपेबिलिटीज, उनकी उनकी वो क्या हैं. जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट एक्शन कमिटमेंट और याद रखें कि एक्शन कमिटमेंट बिकम्स डबली इंपॉर्टेंट व्हेन पीपल हैबिट्स एंड और एटीट्यूड्स अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है बातेंटेशन के दौरान लोगों के बर्ताव उनके बिहेवियर उनकी हैबिट्स इनके अंदर एक तब्दीली वो हमें रिक्वायर्ड होगी और ये बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए अपने आप को तब्दील करना रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस और एनी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस हमें लीडर बींग इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल इस बात पर फोकस करना है कि अब उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों के बर्ताव में उनके हैबिट्स में एटीट्यूड में क्या रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो सकता है कि हमें मेंटोरिंग प्रोग्राम कोचिंग प्रोग्राम्स उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो सब कुछ करनी पड़े डिसीजन जब एक्शन के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो उस वक्त कई तरह के दुश्वारियों और मुश्किलात का सामना वो हमें करना पड़ता है लेकिन हमें परसिस्टेंट रहना है हमें रेजिस्टें को ओवरकम करना आना चाहिए और यही हमारी मेन कोशिश थी इमोशनल इंटेलिजेंस के दौरान भी कि हम अपने रेजिलियंस को वो मेंटेन कर सकें डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें कि डिसीजन जब थेरी से प्रैक्टिस में ट्रांसफर हो रहा होता है उस वक्त देर आर आर टेकिंग प्लेस और उन रेजिस्टें को ओवरकम करना हमारे लिए लीडरशिप प्रस्पेक्टिव में बहुत जरूरी है और वह हम तभी ओवरकम कर सकेंगे जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ अपने फैसलों को लेकर चलें थैंक यू